हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाइव जीपीएस कैसे ऐड किया जाता है आपके गाड़ी में। तो आप किसी भी गाड़ी में जीपीएस आसानी से आप ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास एक जीपीएस है यहाँ पे, और जीपीएस पे मैंने क्या किया, बैटरी से जो प्लस माइनस का दो ऑप्शन होता है, आप चाहें तो डायरेक्ट बैटरी से प्लस और माइनस यहाँ से ले सकते हैं। और जो इसका कनेक्टर होता है यहाँ पे, ये जो इसके कनेक्टर हैं, इस कनेक्टर में इसमें आप इसका कनेक्टर साथ ही में आता है, और प्लस माइनस का दो वायर होता है। रेड वाला जो ये आपको दिख रहा है, रेड वाला बटन ये आपका प्लस है, यहाँ ब्लैक वाला जो आपका तार यहाँ दिख रहा है आपको, ये माइनस है, और एक तार आपको दिख रहा होगा ये जो होता है, जो आपका जो गाड़ी का जो स्विच होता है, जब आप गाड़ी ऑन करते हैं तो वहाँ पे ये तार जुड़ती है। इससे ये पता चलता है कि गाड़ी हमारी कितनी बार ऑन हुई है, कितनी बार ऑफ हुई है, ये सारी चीज़ें आपको ये तार बताता है। यानी दो तार आपको कनेक्ट करना है आपको बैटरी से, प्लस और माइनस, और एक जो ये वायर है ये आपको जो आप जहाँ पे चाबी लगाते हैं अपने गाड़ी का और जहाँ से आप ऑन करते हैं वहाँ पे ये तार को कनेक्ट करना होता है, जहाँ सेल्फ आपका होता है वहाँ पे ऐड करना होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बैटरी में दो तार जोड़िए आप प्लस और माइनस, और वहाँ पे लेते आइए, और जो इसका कनेक्टर होता है उसमें दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका डिवाइस यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, इससे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना है। इस डिवाइस के अंदर सिम लगा होता है, जो कि एक्टिवेटेड सिम होता है, आप कोई भी सिम लगा के इसमें एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे बस जियो पावर मिलेगा, ये जब एक्टिवेट होगा तो आप अपने मोबाइल पे लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, गाड़ी किस स्पीड में चल रही है वो आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी अगर ज़्यादा स्पीड में है तो आपको, अगर चाहते हैं नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल सकता है, और साथ ही साथ आप इसको कहाँ खड़ी है गाड़ी को कितने स्पीड से चल रही है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।